दोस्तों राम जी टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपकी ब्लूटूथ की प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही बढ़िया और डिफरेंट तरीके से। और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा यदि आप अपने लैपटॉप में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम से जो है ब्लूटूथ की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चले कि ब्लूटूथ की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें। इस वीडियो में पूरा पूरा एंड तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अपने लैपटॉप का ब्लूटूथ जो है दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कैसे करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपके सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिसे थ्रू आप जो है एक ऐसा पेज बताऊंगा जहाँ से आप अपने ब्लूटूथ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यदि आपको ब्लूटूथ ऑन करना है कि ऑन कैसे करें, तो ऑन कैसे कर सकते हैं या फिर ऑफ़ कैसे कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं तो कैसे आप ऑन करेंगे ब्लूटूथ, कैसे आप ऑफ करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे। यदि आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, यदि आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ है कि नहीं है, ये सारा सारा सिर्फ एक जगह से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें ढूंढी और काफ़ी सारे कमेंट पढ़ने के बाद यहाँ पर मैंने एक सोल्यूशन निकाला। और यहाँ पर एक यहाँ पर वेब पेज पर आपको यहाँ पर सारे सोल्यूशन का सॉरी सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही दिया गया, हाउ टू टर्न ऑन ब्लूटूथ ऑन विंडो 10, यानी कि विंडो 10 लैपटॉप यूज करते हैं तो आपकी ये दिक्कत सॉल्व होने वाली है, ठीक है। ब्लूटूथ यदि आपका टर्न ऑन नहीं हो रहा है तो कैसे, यहाँ पर मैं आपको जो है इसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ जाकर स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देख सकते हो कैसे क्या कुछ होता है। यदि आपको अपने ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करना है हेडफोन में माउस में, तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ट्रांसफ़र फाइल कैसे कर सकते हो आईफोन से अब पीसी में, सिर्फ ब्लूटूथ के जरिए आप आईफोन से अपने पीसी में लैपटॉप में भी ब्लूटूथ जो है ऑन कर कनेक्ट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जानते हैं ब्लूटूथ विंडो 10 में जो है टर्न ऑन कैसे करें। तो टर्न ऑन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कि नॉर्मली आप जो है ब्लूटूथ विंडो 10 में कैसे टर्न ऑन कर सकते हो। ऑन योर कीबोर्ड होल्ड डाउन द विंडो लोगो, ठीक है, कीबोर्ड पर जो भी जो विंडो का लोगो है उसको क्लिक करना है, वहाँ से फिर सेटिंग विंडो को खोलना है, फिर क्लिक डिवाइसेस पे क्लिक करना है। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया है कैसे आप अपने मोबाइल से लैपटॉप में ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और भी बातें बता रहा हूँ, इसलिए ये भी आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तीसरा है कि आप जो है इसको सेट ऑफ होता है तो इसको ऑन करना होता है। देखिए ऐसे यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, देखिए तो यहाँ पर टर्न ऑफ होता है, आप देख सकते हैं ये जो है ना ये जो राउंड किया गया है ये टर्न ऑफ होता है, इसको ऑन करना है तो ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है कि ये ब्लूटूथ डिवाइस मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग मतलब कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है। तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, बस आपको अब जो है क्या करेंगे जब आपका ब्लूटूथ डिवाइस ऑन नहीं होता तो। अब हम जानते हैं क्या करेंगे जब मान लीजिए आपके ब्लूटूथ विंडो 10 में ब्लूटूथ जो है टर्न ऑन नहीं होता है तो क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसके लिए पहली बार आपको ब्लूटूथ डिवाइस जैसे मान लीजिए विंडो 10 कंप्यूटर आप यूज करते हैं तो उसमें जाकर पहले कुछ चेक करना होता है कि ब्लूटूथ आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्लूटूथ है या नहीं है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप ब्लूटूथ सपोर्ट करता है तभी ये चीज़ें काम करती है। इसके लिए क्या करना है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या आपका कंप्यूटर ब्लूटूथ सपोर्ट करता है कि नहीं। सबसे पहले आपको जाना है डिवाइस मैनेजर में, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करके सेलेक्ट डिवाइस मैनेजर, जैसे कि आप सीधे सीधे यहाँ पर ये सर्च बार है यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं डिवाइस मैनेजर। देखिए यहाँ पर हमने टाइप किया डिवाइस तो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह से आप इस पर जो है इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर दिखा रहा है डिवाइस मैनेजर, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा चलते हैं, हमें तो डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे। यहाँ पर ब्लूटूथ सेक्शन होता है, ठीक है, ब्लूटूथ सेक्शन या फिर ब्लूटूथ एडॉप्टर यहाँ पर अगर होगा तो यहाँ पर सब दिखाई देगा, नेटवर्क एडॉप्टर दिखाई देता है। तो पहले हम ब्लूटूथ सेक्शन में जाएंगे, फिर ब्लूटूथ एडॉप्टर पर क्लिक करेंगे, फिर नेटवर्क एडॉप्टर पर क्लिक करेंगे। अभी हम क्या लिखा हुआ, द ब्लूटूथ एडॉप्टर कुड आल्सो बी लिस्टेड अंडर द अदर डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लूटूथ यहाँ पर दिया गया है, फिर यहाँ पर नीचे माइक्रोसॉफ्ट ब्लूटूथ एल्यूमिनेटर, माइक्रोसॉफ्ट ब्लूटूथ एलई एल्यूमिनेटर, उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए नीचे जाएंगे तो ब्लूटूथ डिवाइसेस डिवाइस पर्सनल एरिया नेटवर्क,
ब्लूटूथ डिवाइस रिकमेंडेड ये है प्रोटोकॉल TDI, तो ये सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। ये इससे पता चलता है कि आपका कंप्यूटर जो है ब्लूटूथ सपोर्ट करता है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ अपडेट द ब्लूटूथ ड्राइवर ऑन योर कंप्यूटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपडेट ब्लूटूथ ड्राइवर को अपने कंप्यूटर पर जो है अपडेट करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ब्लूटूथ दो चीज़ें जो है सपोर्ट करता है, जैसे कि हार्डवेयर यानी कि और आपके सिस्टम में हार्डवेयर जो है वो सपोर्ट करता है, नहीं सॉफ्टवेयर यानी कि एप्स, ठीक है। तो आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ का सॉफ्टवेयर, जैसे कि सभी लोग जो है सॉफ्टवेयर पर फोकस करते हैं, हार्डवेयर पर फोकस नहीं करते, यदि आपके लैपटॉप में हार्डवेयर होगा ब्लूटूथ का तो ही सॉफ्टवेयर काम करेगा, ठीक है, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन का आंसर है कि आपके लैपटॉप में हार्डवेयर होना चाहिए ब्लूटूथ का, मैंने भी बोला है अगर हार्डवेयर नहीं है तो आप ब्लूटूथ एडाप्टर भी यूज कर सकते हैं। तो आप जो है दो तरह से आप जो इसको अपडेट कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं अपने ब्लूटूथ ड्राइवर को, या फिर ऑटोमेटिक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा कि आपका जो ब्लूटूथ ड्राइवर है वो विंडो का 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है या फिर 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। तो यहाँ पर देखिए अभी ये सारा कुछ चेंज देखने के बाद कौन सा आपका सिस्टम है, उसके बाद आप जाकर सीधे यहाँ से वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं ब्लूटूथ ड्राइवर आसानी से। उसके बाद आपका सिस्टम जो है ड्राइवर को स्कैन कर लेगा, स्कैन कर सकते हैं कहीं से भी अगर आप करते, तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद नीचे आएंगे, रिस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को, उसके बाद कीबोर्ड में जाएंगे और विंडो लोगो की जो भी मतलब आपका है यहाँ से विंडो ओपन होता है उसको ओपन करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ब्लूटूथ को टर्न ऑन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे री इनेबल द ब्लूटूथ ड्राइवर सॉफ्टवेयर इन डिवाइस मैनेजर। तो डिवाइस मैनेजर में फर्स्ट जाना है, पहले राइट क्लिक करके यहाँ पर विंडो पर राइट क्लिक करके डिवाइस मैनेजर में चले जाएंगे, उसके बाद से जो भी हमको जो है यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस में अपडेट ड्राइवर होता है उसके नीचे लिखा होता है डिसेबल्ड डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, राइट क्लिक ऑन योर ब्लूटूथ डिवाइस इन द ब्लूटूथ सेक्शन एंड चूज डिसेबल डिवाइस इफ यू आर कंफर्म क्लिक यस। तो सेम इसी तरह से डिवाइस मैनेजर में शो करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्लूटूथ में ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो डिसेबल डिवाइस होता है, उस पर क्लिक करना है तो कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो आप उसको कंफर्म कर लेना है। राइट क्लिक ऑन द डिवाइस अगेन एंड क्लिक इनेबल डिवाइस, तो अब क्या करना है दोबारा जो है उसको इनेबल कर देना है, ठीक है, जैसे पहले डिसेबल था फिर उसको जो है डिसेबल पर क्लिक करके रेस करना है, फिर उसके बाद इनेबल कर देना है, ठीक है, ये काम हो गया। अब क्या करना है, ऑन योर कीबोर्ड होल्ड डाउन द विंडो लोगो की एंड प्रेस द आई की टू ओपन द सेटिंग विंडो। तो यहाँ पर विंडो लोगो की में फिर से सेटिंग पर अब जाएंगे, बेसिकली मतलब ये है कि आप उसको बंद मत कीजिए, बार बार उसका यूज करना है तो आप उसको ओपन ही रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मेक श्योर द ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस इज रनिंग, ठीक है, मतलब इसको आपको क्लिक करना है कि आपका जो ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस है जो कि services.msc में दिखाई देता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका ब्लूटूथ का सॉफ्टवेयर रन कर रहा है या फिर सर्विस जो है रन कर रही है। तो यहाँ पर आपको रन टैब में इसको सर्च कर लेना है, आप यहाँ से भी यहाँ पर जो है रन अगर एप्लीकेशन सर जो है लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, चलिए मैं लिख कर दिखाता हूँ, इससे रन क्लिक, देखिए ये रन एप्लीकेशन आ गया। अब यहाँ पर आप ये चीज है services.msc यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, चलिए ठीक है, उसके बाद ओके करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस पर क्लिक करेंगे, फिर क्लिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे पेज पर दिखाया गया। तो फिर हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से अगेन हम उसको रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा से जो है ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस जो है उस पर राइट क्लिक करेंगे और सेम चीज़ जो है प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या करना है ऑटोमेटिक जो है उस पर करना है क्लिक, उसके बाद करना है इसको अप्लाई, उसके बाद करना है ओके, ठीक है, ऑटोमेटिक मतलब आपको कुछ करना ना पड़े, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं होता, मैनुअल भी होता है, ठीक है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, अगर मैनुअल होगा तो आपको ऑटोमेटिक कर देना है, उसके बाद अप्लाई करना है, ओके करना है। अब कहना है फिर से जाना है ब्लूटूथ बार में जो कि हमने सेटिंग में देखा था उसको ऑन है, चेक करना ऑन होगा तो अच्छी बात है। चलिए अभी ऑन हो गया है हमारा ब्लूटूथ डिवाइस, अब हम किसी भी डिवाइस को इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपने
फ़ोन से लैपटॉप में कुछ फ़ाइल ट्रांसफ़र करना हो या फिर अपने आईफोन से लैपटॉप में जो है फ़ाइल ट्रांसफ़र करना हो ब्लूटूथ के ज़रिए, तो आप ये सारा का सारा कुछ कर सकते हैं। अब देखिए ये कितना कमाल की चीज़ है कि आपको स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर सारे के सारे चीज़ें आपको मिल रही है कि जैसे कि ब्लूटूथ ऑन कैसे करें या फिर किसी कंप्यूटर से क्या बोलते हैं डिवाइस में फ़ोन में जो है कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, फिर यदि आपके आपका कंप्यूटर ब्लूटूथ सपोर्ट करता है कि नहीं करता, ये सारी सारी डिटेल जो है आपको एक वीडियो में आपको मिल गई है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले अपने फ़ोन पर पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।